Fantastic. वैसे ये आपसे कहने की बात तो है नहीं, but you are definitely a very sensational performer and obviously all of us know a very talented actress. So before we proceed, would you like to say something to all the media members who are here today? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ म्यूजिक लॉन्च पे आए. थैंक यू सो मच. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग डर्टी पॉलिटिक्स की म्यूजिक लॉन्च पे आए. थैंक यू सो मच. मैं हमारे साथ मंच पे मिस्टर केसी बकारिया को आमंत्रित करना चाहूंगी. प्लीज वेलकम हिम विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज. Thank you. A very good afternoon, sir. Hello. आप सबका सबसे पहले वेलकम करता हूँ. जब भी बुलाता हूँ आप लोग आ जाते हैं और मेरी इज्जत मेरी बात रखते हैं, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. वैसे आज म्यूजिक लॉन्च है तो मैं चाहूंगी कि हमारे पास वो सीडी पैक आ जाए. एंड कैन यू प्लीज Before we have that, we have another two guests who are going to be joining us in just a bit. वैसे can we have the CD pack? हमारे guests थोड़ी ही वक्त में हमारे साथ आएंगे. But we have कर रहे हैं और ये मंच पे मैं एक ऐसी शख्स के साथ हूँ जो सबसे हमारे देश में खूबसूरत भी मानी जाती हैं, तो उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे. एक बहुत ही चैलेंजिंग किरदार आपने निभाया है डर्टी पॉलिटिक्स में, अनोखी देवी का, तो आप इस किरदार के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगी. वैसे 13 फरवरी 2015 को हम ये पूरी फिल्म तो देखेंगे ही थिएटर्स में, लेकिन अगर थोड़ी सी झलक आप दे देती हैं इस किरदार के बारे में प्लीज़. पहले तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग यहाँ आए, कौन सा गाना ज़्यादा पसंद आया? मतलब कितने बेशरम हो ना सबके साथ. सच सच बोलो. दूसरा पसंद आया? क्यों, पहले वाले में क्या कमी थी? ये सब लड़के बहुत शैतान हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा. वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया आप यहाँ पर हैं, तो कुछ और करने से पहले हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है तो वी हैव माइक्स इन द ऑडियंस. यस हेलो, मलिका शिखा फ्रॉम समय. हाय शिखा. हाय मलिका, आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों ही जगहों पे बहुत बेबाक और बिंदास दिखती हैं. फिल्म है डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को बड़ा डर्टी तरीके से दिखाया गया, रियल स्टोरी है. लेकिन अभी पिछला जो सिनारियो है पॉलिटिक्स का, बड़ी सारी महिलाएं जो हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं, टैलेंटेड हैं, वर्सेटाइल हैं, वो एंट्री कर रही हैं पॉलिटिक्स में. तो रियल में अगर आपको पॉलिटिक्स में इन्विटेशन आता है, बिकॉज आप भी बहुत बोल्ड और बिंदास हैं, कैपेबल हैं, तो क्या जाएंगी आप? अगर मोदी जी मुझे फाइनेंस ये फॉरेन मिनिस्टर बनाते हैं, बोलते हैं कि आपको हम फॉरेन मिनिस्टर बनाएंगे, तो मैं ज़रूर जाऊंगी. और मुझे लगता है पड़ोसियों से हमारे रिलेशनशिप जो है ना इंडिया की, उसमें भी सुधार आ जाएगा. नहीं, लेकिन वहाँ भी डर्टी पॉलिटिक्स होगी तो करेंगी? पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, डर्टी भी होती नहीं, है. आप क्या करेंगे? आई विल डू क्लीन पॉलिटिक्स. ओह माय गॉड, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन डर्टी पॉलिटिक्स. एंड आई थिंक नॉट ओनली मी, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री when he gets he or she gets a chance should strive to do clean and clean politics for a better india, for a better tomorrow. Malika, dusra sawal hai, abhi tak aap ek alag tarah ke genre wali films ke liye jani jati hain, lambe time ke baad aapki ye jo film aa rahi hai, strong character hai, real ek character hai jise aap play kar rahi hain on screen, so aapko kya lagta hai ki aapki jo image hai use is tarah ke character ke baad ek serious subject wali films ke liye utha payenge aapko aage? बहुत कम बार ऐसे होता है एक अभिनेता या अभिनेत्री के करियर में कि ऐसे रोल्स आते हैं जो ग्लैमरस भी हैं और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हैं. और डर्टी पॉलिटिक्स जो है ऐसे ही रोल का मिश्रण है जिसमें ग्लैमर भी है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड. आई एम रियली होपिंग आफ्टर दिस मूवी माय फैंस लाइक इट, द क्रिटिक्स लाइक इट, एंड सीरियस डायरेक्टर्स टेक नोटिस एंड ऑफर मी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्ट्स, नॉट ओनली ग्लैमरस पार्ट्स. Hi Malika, Abhishek here from Zoom.
The song looks amazing. And which one? The first one. ये बताइए सच सच. Yeah, the first one. The first one. You like yeah. it? Yeah. जो फिल्म की स्टार कास्ट है काफी पावर पैक्ड है. वी कैन सी अमरीश पुरी या नसुद्दीन शाह एंड मलिका. अमरीश पुरी सॉरी ओमपुरी ओमपुरी या सो एंड ओमपुरी ओम जी ओमपुरी है. बट वी कैन ओनली सी यू हियर. सो आप कह सकते हैं कि जो प्रमोशंस एंड जो मार्केटिंग का पूरा दारोमदार है बस आपके ऊपर है. नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जो हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसमें ओम जी अनुपम खेर जी गोविंद नामदेव ये सभी यहाँ पे थे. आज मेरे ख्याल से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. अब आउट क्या हुआ था उनके साथ. वो जयपुर हैं वो. एंड अब किस तरह के प्लान्स हैं किस तरह फिल्म को प्रमोट किया जाएगा बिकॉज ये लीग से हट कर फिल्म है जो नॉर्मल हम देखते हैं जॉनर में जो है ये हट के फिल्म है. किस तरह इसको प्रमोट किया जाएगा. जब आप बोलते हैं हट के फिल्म है तो आप थोड़ी क्लैरिटी दीजिए ना मुझे इसका मतलब हट के फिल्म है मतलब. नॉर्मल रोम कॉम नहीं है सीरियस फिल्म है तो इसको किस तरह प्रमोट किया जाएगा. जिस तरह सीरियस फिल्म है तो उसे सीरियसली प्रमोट करेंगे. कुछ भी फिल्में फॉर सेंसेशनलिज्म या कॉन्ट्रोवर्सी के लिए नहीं डाला है. इट शोज अ वेरी वेरी डर्टी साइड ऑफ पॉलिटिक्स. डर्टी पॉलिटिक्स शोज अ वेरी वेरी एक्सप्लॉयटेटिव साइड ऑफ पॉलिटिक्स. वही दर्शाया गया है. सो देयर इज नथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी इन द फिल्म. हैप्पी न्यू ईयर. सुनाई नहीं दिया मुझे. नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको. आपको भी पुगड़िया साहब बहुत शिद्दत से फिल्म बनाई है लगता है आपने. बताइए कितनी मेहनत लगी आपको इस फिल्म में. अब एक आदमी 50 फिल्में 55 फिल्मों के बाद मेहनत वाली बात तो है नहीं. बस सीरियसली सिंसियरली अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है. सब अच्छे परफॉर्मर थे सब अच्छे एक्टर थे और हर चीज़ में ईमानदारी बढ़ती गई है मेकिंग में भी और हर तरह से. इसी वजह से आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस पिक्चर का अवेयरनेस है. जो आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं ना हम लोगों ने यूट्यूब पे ट्रेलर छोड़ा है. हमने एक रुपए का भी मैंने एज ए प्रोड्यूसर कोई मैनुपलेशन नहीं किया. 15-16 लाख आदमी देखे और मुझे रात को 2-2 बजे फ़ोन आते हैं बुखाड़िया साहब ये फिल्म आपकी सुपरहिट होगी. तो मुझे लगता है ऑलरेडी प्रमोटेड हो गई मतलब ऑलरेडी लोगों में चर्चा है. तो ईमानदारी से सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है और मैं पूरा यकीन से कहता हूँ जैसे पहली फिल्म मेरी प्यार झुकता नहीं थी ना वैसे ही कुछ सेंसेशन करेगी. और ऐसी फिल्में चलने से एक ट्रेंड में अच्छा ट्रेंड बनेगा. नहीं तो आज जो भी फिल्में बन रही है ना किसी का सर पाँव नहीं है. बस सब मार्केटिंग की वजह से फिल्में चल रही है. और ये 100-200 करोड़ की बात करते हैं ना तो 300 रुपये का टिकट है. हमारे ज़माने में 5-10 रुपये के टिकट होते थे और उस वक़्त 1500 आदमी थिएटर में होते थे 1500 बार खड़े होते थे. लाइक तेरी मेहरबानी आज का अर्जुन फूल बने अंगारे बिकॉज स्टफ होता था अच्छा म्यूजिक होता था अच्छी फिल्म होती थी. तो ये फिल्म चलने से मैं यकीनन कह सकता हूँ कि ज़रा सा ट्रेंड चेंज होगा फिल्म इंडस्ट्री का. लोग सीरियसनेस होंगी पिक्चर बनाने के बारे में. लोगों को आज जो मेरे हिसाब से जो फिल्में बन रही है ना आई एम सॉरी टू से समथिंग टू कमेंट्स एनीथिंग सो लेट्स होप फिल्म शुड डू वेल. मल्लिका ये आपकी कमबैक फिल्म का है काफी समय बाद वापस से कमबैक फिल्म. व्हाई कमबैक मतलब काफी समय बाद थोड़ी समय बाद आ रही है तो एक साल ही तो हुआ है. बड़ा मिस किया आपने मुझे. फिर और क्या यहाँ एक महीने नहीं दिखती आप तो हालत खराब हो जाती है लोगों की. देखो यहाँ सभी शैतान नॉटी बॉय सवाल पूछ रहे हैं. मेरी सिस्टर्स आज बड़ी चुप बैठी हैं यहाँ. मल्लिका काफी आपने भी काफी मेहनत की है इस फिल्म के लिए कुछ बताएंगे. जी कुछ ज्यादा नहीं करती. हर फिल्म में मेहनत करती हूँ मैं. और मल्लिका एक चीज ये थी कि आपको पता है अब नया सेंसर बोर्ड आ गया है. आपको लगता है फिल्म पास करा ली है या आप करवाएंगी. हो गई किसी कट के बगैर वो भी. आप कौन सी दुनिया में है. आपने सर्टिफिकेट दिखाया तो है नहीं अभी तक. और अब ये डायरेक्टर जी को बोलिए दिखा देंगे. जो दिखाया सब पास है. और अब जो दिख रहा है उसके बाद आपको लगता है कहीं रुक जाएगी फिल्म. ऐसा कुछ लगता है आपको. एक बार सर्टिफिकेट इशूड हो जाता है फिर कुछ नहीं होता है. तो एडल्ट फिल्म है यानी कि. एडल्ट है बट पास है सब. जो आप आगे पीछे सुन रहे देख रहे सब पास है.
मल्लिका, ये जो गाना था आपका, कैसा रहा ये शूट करने में आपके लिए? कौन सा वाला गाना? दोनों। घाघरा एक राजस्थान में शूट किया था हमने, गणेश मास्टर जी के साथ शूट किया था, बहुत अच्छा रहा, और इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस शूटिंग द सॉन्ग। और दूसरा जो दूसरा गाना था, एक्चुअली वो बहुत इम्पोर्टेंट गाना है फिल्म के लिए, क्योंकि वो एक रिकॉर्डिंग कर रही है, तो हर डिटेल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। एंड इन ऑल सीरियसनेस आई एम सेइंग, बिकॉज वो सीडी रिकॉर्ड करी है, दैट सीडी इज़ अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट करप्ट पॉलिटिशियन। उस सीडी के थ्रू ही वो अपना फ्यूचर आगे बढ़ा पाएगी, तो इसलिए। और ये गाना बहुत अनकंफर्टेबल था शूट करने के लिए, किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये गाना ईजी नहीं हो सकता, मेरे लिए तो नहीं था, ओम जी इतने सीनियर एक्टर हैं, लेकिन ये गाना बहुत ज़रूरी था शूट करना फिल्म के लिए। थैंक यू। हेलो बोकाड़िया जी, आपकी बात एकदम सही है कि फिल्में बेसिर पैर की बन रही है, पर अगर कुछ रोशनी डाले कि आपको कौन कौन सी फिल्में बेसिर पैर की लग रही है। मैं आपको बताऊं सच्ची ईमानदारी से, आप मेरी बात पे यकीन करें, पिछले 5 साल में मैं एक दो फिल्म भी थिएटर में नहीं देखी होगी। जब टीवी में देखता हूँ ना, उनके प्रमो जो गाने के जो शॉट है ना, वो सब एक रिदम एक डांसर, खाली क्लोज बदल दो आप, किसी को पिक्चराइज करने की इतनी मेहनत, करोड़ों रुपए वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं मतलब ये नहीं बोलता कि मैं कुछ 30 मार का फिल्म बनाई है, बट मैं अपने ट्रैक से नहीं हटा सर, और मुझे जिस तरह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और जो रिस्पांस मिल रहा है ना, आई एम वेरी श्योर एंड कन्विंस्ड दैट फिल्म शुड डू वेल। बाकी तो आप लोग ब्लेस करें, ऊपर वाला करें सर, थैंक यू। जब आप फिल्म का शुरुआती जब आपने लॉन्च की थी, तब कहा गया था कि ये भौरी देवी पर फिल्म है, क्या अभी भी आप उस स्टैंड पे कायम है? देखिए मैं आपको बताऊं, भंवरी देवी पे कोई फिल्म बन नहीं सकती कंप्लीट। एक तो क्या है, उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में, और वो जो भी है विलन और वाट एवर इट इज, उसको पनिशमेंट नहीं होता तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती अपने हिंदी फिल्म। तो इसके लिए एक डायरेक्टर के लिए अगर भंवरी देवी को बेस करके फिल्म बनाएगा तो बहुत मुश्किल है। इंस्पायर्ड हूँ भंवरी देवी से, मैडम का करेक्टर डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रॉम भंवरी देवी, बट अदर लॉट ऑफ अदर करेक्टर विच इज़ नॉट देयर इन भंवरी देवी इज़ लाइफ, लाइक नसरुद्दीन शाह इंस्पायर्ड फ्रॉम अरविंद केजरीवाल, वो उसका सच्ची बात अरविंद केजरीवाल सपोज टू प्ले दिस रोल, बट समाव हमारी डेट वेट मैनुपलेट और नेगोशिएशन हुआ नहीं प्रॉपरली, बट कॉरस्पॉन्डेंस हुआ, उसके बाद फिर नसीर साहब ने ये पिक्चर ये रोल करने को तैयार हुए। तो नसीर साहब का रोल देर वॉज नो इन भंवरी देवी इज़ लाइफ, देन lot of we have changed. Again, I tell you, Bhavri Devi pe as it is film nahi ban sakti. That's one incident, one inspiration which I have taken from that Bhavri Devi. But otherwise, it's K.C. Bukadia's film, I can say. Malika, Ghagre par ek aur. Main idhar. Hello. Main bol raha tha ki Madhuri ka ek gana aaya tha Ghagre Pari, aur wo TV ka breaking news bana tha. Matlab real mein bhi aisa ho gaya tha. Aap apne gaane ko lekar kya sochi? Kis tarike se wo surkhiyan banayega? आपको क्या लगता है? मैं तो मतलब आप जो बोलेंगी वो पहले सुनना है ना। मुझे तो गाना बहुत पसंद है और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये गाना तो ज़रूर चलेगा, और लिरिक्स बहुत कैची है, घाघरा घमासान। हाय मल्लिका। हेलो। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अक्सर महिलाओं की बात करती हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, अगर अनोखी देवी की हम बात करें तो किस तरह से वो महिला सशक्तिकरण का परिचय दे रही है? अनोखी ज़िंदगी में ऊपर आना चाह रही है, बहुत गरीब घर से है वो, और उस वो बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत है, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रही है एक शस्त्र की तरह, और उसे ये अच्छी तरह मालूम है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पॉलिटिशियन है ओम जी का किरदार, वो भी तो अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहा है अपनी वासना की पूर्ति के लिए, तो इतने सवाल अनोखी को लेके क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल उस पॉलिटिशियन को लेके क्यों नहीं उठ रहे, दोनों ही अपने जिस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं सबसे यही सवाल पूछना चाहूँगी कि पॉलिटिशियन को कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा, उनके बारे में उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठा रहा? मल्लिका हाय, दिस इज सोनिया हियर। मल्लिका, आपने वेमेन एम्पावरमेंट की बात की है, और अक्सर जब भी
भी ऐसे आइटम नंबर्स रिलीज किए जाते हैं तो बहुत ऐसे सवाल उठते हैं कि वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है ऐसे गानों में, आपका इस बारे में क्या, पर्टिकुलरली इस गाने की बात नहीं कर रही बट जब भी आइटम नंबर्स आते हैं आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिफिकेशन सिर्फ औरतों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है. जॉन अब्राहम इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिफाइड इन बॉलीवुड. कौन सी फिल्म थी उनका बड़ा फेमस एक बट शॉट था ना, हाँ, तो इवन ही वॉज ऑब्जेक्टिफाइड. और हिंदुस्तान में नहीं, विदेश में भी. ब्रैड पिट एंड जॉर्ज क्लूनी इज ऑब्जेक्टिफाइड ऑल्सो. सो दिस इज अ विजुअल मीडियम, ऑल एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर ऑब्जेक्टिफाइड. लेकिन सवाल ये है जो आपने मुझसे पूछा, ऑब्जेक्टिफिकेशन है लेकिन हमारे ही समाज में ये सवाल औरतों को लेके क्यों उठते हैं? दिस वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, और कहीं नहीं उठते. अब ये आइटम नंबर हीरोज भी तो करते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता. मलिका, प्रियंका भी अब फिल्म कर रही हैं मैडम जी, वो भी पॉलिटिशियंस पर ही आधारित है. डू यू सी द कंपटीशन विद हर? क्या कंपटीशन, कहाँ का कंपटीशन. प्रियंका पीछे, आप आगे. मैडम जी और डर्टी पॉलिटिक्स दोनों एक ही रिंग में खड़ी हैं. लेट द बेस्ट विन. डर्टी पॉलिटिक्स का कोई कंपटीशन नहीं है और मैडम जी तो बिल्कुल भी नहीं है कंपटीशन. क्यों? ये मेरी सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है. मैंने वो फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैंने डर्टी पॉलिटिक्स देखी और मुझे लगता है डर्टी पॉलिटिक्स एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है. कितने करोड़ बना लेगी फिल्म? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती. आई एम नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर. तो मापदंड क्या रहेंगे, मतलब व्हाट विल बी द? ये बुकाड़िया जी बताएंगे. भाई वो जब खुद पे बात आती तो आप टाल देते हो. हाँ, मतलब जब कोई सवाल आप पर आता है तो. बट आई डोंट नो द आंसर. आई डोंट नो हाउ मच मनी द मूवी विल मेक. मुझे नहीं मालूम. मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो बैठ के अपना. ये तो बनियों का काम है. तो फिर अकाउंटेंट्स का काम है. एंड आई मीन दैट इन ऑल रिस्पेक्ट. तो फिर यार्डस्टिक क्या रहेगा सक्सेस का? सक्सेस का यार्डस्टिक ये रहेगा दैट पीपल हु हैव पुट इन मनी शुड नॉट लूज मनी बिकॉज एवरी एक्टर डायरेक्टर हैज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड द अदर यार्डस्टिक इज दैट माई फैंस शुड लाइक इट, दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड. फॉर मी दीज आर द टू यार्डस्टिक्स एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन परफॉर्मेंस. आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतने अच्छे NSD एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला. दैट इज माई यार्डस्टिक. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मलिका जी, सिंस बहन मान रही हैं आप हम सबको, तो बहन के नाते एक सवाल पूछना चाहूंगी. जी. व्हेन डू यू प्लान टू सेटल इन पर्सनल लाइफ? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? हम डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं. हम चाहते हैं दीदी की शादी में डांस करें. तो करेंगे आप लोग? पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना धक्के खाना ही लिखा है. What kind of a man are you looking for? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं. मुझे बुकाड़िया जी डर्टी पॉलिटिक्स की प्रमोशन से फुर्सत दें तो शायद मैं सोच लूँ. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? जी, एक फूल बने अंगारे का रीमेक है, एक और फिल्म की बात चल रही है, उसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगी. हाय मलिका, रसप्रीत हियर फ्रॉम जी न्यूज. मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. अच्छा है, अब मेरी बहनों की आवाज़ आ रही है, मुझ तक पहुँच रही है. हाँ, जैसे कि अभी कुछ ही टाइम में बजट आने वाला है तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी हमारे बजट से, हिंदुस्तान के बजट से? कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको वो बजट सूट करना चाहिए कि देश की उन्नति उसी से होगी. और कुछ ऐसा एग्जांपल आप बता सकती हैं, जैसे क्या कॉमन मैन की ज़रूरत है आपके हिसाब से? आई थिंक सबसे बड़ी ज़रूरत कॉमन मैन की है अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट एंड एजुकेशन. देर शुड बी लॉट ऑफ अटेंशन पेड टू एजुकेशन. ओके, एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल की मूवीज बिना सर पैर के होती, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, ये तो अपना अपना पर्सनल नज़रिया है. मुझे कुछ मूवीज़ पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती. आपको भी कुछ मूवीज़ पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती. ओके, थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन. मल्लिका और बुकाड़िया साहब दोनों से एक रिएक्शन चाहिए था. देश में जो खिलाड़ियों की हालत है, हम उस पर एक शो बना रहे थे, तो आपका व्यू जानना चाहेंगे इन अ सीरियस वे कि देश में जो खिलाड़ियों की हालत है, नेम फेम मिलने के बाद फिर वो कहीं गुम हो जाते हैं, तो आपका क्या इसमें, आप क्या कहेंगे?
कौन से ग्राउंड के खिलाड़ी? सभी मतलब नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेलते हैं, एक समय पर बहुत नेम फेम मिलता है, पैसा भी थोड़ा मिल जाता है, बाद में फिर वो खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं. मतलब बीच में आप पीटी उषा को भी देखिए, उषा को भी देखिए, वो भी जब मिली थी तो मतलब उनके लिए भी कई विवाद हो गए थे. तो ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिन पे, तो एक जो आपका नॉर्मल व्यू हो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है कहीं भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आने के लिए. The government has to really support the players. And if the government supports the players, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है. अभी हरियाणा से इतने रेस्लर्स और लड़कियाँ ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाई हैं. लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिले कोई नहीं रोक सकता, इतना टैलेंट है हमारे देश में. सर आप भी देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है ना, ये पॉलिटिक्स लफड़ा है हर जगह, चाहे खिलाड़ी हो चाहे पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स मतलब कोई राजनीति से नहीं होता, खिलाड़ियों में उनके सिलेक्शन में भाई भतीजावाद, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त डर्टी पॉलिटिक्स है. तो ये पहले आप ये पॉलिटिक्स के ऊपर से डर्टी हटेगा ना, चाहे वो राजनीति हो चाहे खिलाड़ी हो, तभी जाके सब क्लियरिटी होगी. अच्छे टैलेंट है वो आगे आ नहीं सकते, बिकॉज वहाँ भी बहुत बड़ी भारी पॉलिटिक्स होती है, ऐसा मेरा सोचना है. जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन बेचारों का नंबर नहीं आता, और जो नहीं जानने वाले होते हैं ना, उनके किसी के मिनिस्टर दोस्त होते हैं, कहीं ना कहीं सिफारिश होती है, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है. और वहाँ जाके जो रियल टैलेंट इंडिया से बाहर निकलना चाहिए वो मुश्किल हो जाता है, जरा ऐसा मेरा सोचना है. थैंक यू सर. थैंक यू. ख़त्म करें वो गाना, दिखाऊं एक बार दूसरा वापस. चलो चलो चलिए अभी. Bye.